अब तक के किसी ने आपको फोटोशॉप 7.0 में 3D वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना के नहीं दिखाया होगा। इस वीडियो के लास्ट में या बीच में मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हुए हैं जिनसे आप सिंपल तरीके से राउंडलेस सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेने के बाद आपको स्पिनिंग टूल से इसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद आपको इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। कंट्रोल एन, न्यू फाइल ओपन करेंगे, A4 साइज पेज लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे। इसको जूम करते हैं, स्पेस, लेफ्ट क्लिक, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसकी विड्थ 10.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। हाइट साइज कुछ बड़ा लग रहा है, इसे हल्का छोटा करेंगे। इसका साइज रखेंगे 8.5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 5.5 रखेंगे। ये परफेक्ट साइज है। अब इसमें स्ट्रोक लगाएंगे, एफएक्स पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। साइज 3 पिक्सल रहेगा, पोजीशन सेंटर रहेगी, ब्लाइंड मोड नॉर्मल रहेगा और ओपेसिटी 100 रहेगी। इसका कलर चेंज करेंगे, इसका कलर ब्लैक लेंगे, ओके कर देंगे। अब आपको इसका बैक साइड बनाना है। बैक साइड बनाने के लिए आपको इस फिर से इसको कॉपी करना है। पहले इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप कर लेने के बाद अब इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद आपको फिर से फोटोशॉप ओपन करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ 8.5 सेंटीमीटर रखेंगे और हाइट 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। इंटर करना है। अब पहली वाली लेयर को कॉपी करके दूसरी वाली लेयर को पेस्ट कर देना है। पहली वाली लेयर पे जाके कॉपी करेंगे इसे। कॉपी कर लेने के बाद आपको दूसरी लेयर पे जाके पेस्ट कर देना है। ये देखिए, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3D वैक्सीनेशन कार्ड कैसे बनाते हैं और राउंडलेस सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।